बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, दिस इज मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब एक्सप्लोजन्स होते हैं या जिस एक्सप्लोजन्स के नतीजे में जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस होती हैं, तो उस केस में मोमेंटम जो है वो कैसा रहता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पर भी एक्सप्लोजन कहते हैं धमाके को, कोई चीज जब भरती है, जैसे उसमें बॉम्ब्स आ जाते हैं, कोई आप बुलेट को फायर करते हैं राइफल से, तो या कोई शेल एक्सप्लोड होता है, ये सब जो है आपके पास एक्सप्लोसिव फोर्सेस हैं। और इस केस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या हैं और कैसे होती हैं। जो प्रिंसिपल है इन एक्सप्लोसिव फोर्सेस का या एक्सप्लोजन्स का, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी जितनी भी मोमेंटम चेंजेस हैं, ये जो टोटल मोमेंटम है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम का ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्सेस, वो कंजर्व रहता है। बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर कोलिजन आपके पास मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है कि एक शेल या बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा। व्हेन बॉम्ब इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो क्या होता है अपने रास्ते में, इट एक्सप्लोड्स। एक्सप्लोड होने के बाद क्या होगा कि ये दो पीसेस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्सप्लोड हो गया है, दो इसके बन गए हैं फ्रेगमेंट्स। तो जो मोमेंटम है इन फ्रेगमेंट्स का, उसको हम बाय वेक्टर एडिशन मालूम कर सकते हैं। बिफोर कोलिजन देखें, एक्सप्लोजन ये आपके पास एम वी था, एंड आफ्टर एक्सप्लोजन एक आपके पास राइट साइड पर चला गया और एक लेफ्ट साइड पर चला गया है। तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास इनकी वेलोसिटी के बनेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे कि हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे डायरेक्शन के हिसाब से। तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये होगा और एक इस तरफ होगा, दोनों के ये वाला कंपोनेंट सेंट्रल को जब हम ऐड करेंगे वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास बिफोर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो डॉटेड लाइन से जाहिर किया हुआ है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो हम कह सकेंगे कि बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फायरिंग ऑफ अ राइफल। ये जो हमारे पास फिगर है, ये बहरहाल एक गन की है, जिसमें बिफोर फायर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है और आफ्टर फायर देखते हैं क्या कंडीशन है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका मास कैपिटल एम है और जो इसकी वेलोसिटी है वो वी है। बिफोर फायरिंग, क्योंकि आपके पास बुलेट भी एट रेस्ट पे है और ये राइफल भी एट रेस्ट पे है, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो टोटल मोमेंटम जीरो है। लेकिन आफ्टर फायर क्या होता है कि जो वी है, वेलोसिटी जो राइफल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, अब बुलेट फायर हो गई, बुलेट फायर होने के बाद बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसके नतीजे में जो इसकी राइफल है या जो गन है, इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्सेस इक्वल होती हैं और ऑपोजिट होती हैं और वो सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं होती। तो बुलेट पर जो फोर्स अप्लाई हुई है उसने उसको फॉरवर्ड मूव करा दिया, लेकिन रिएक्शन की फोर्स इस राइफल या गन के ऊपर लगेगी और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी ये राइफल या गन अचीव करेगी वो रिकॉइल वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी को हमने वी प्राइम कहा हुआ है। अब फाइनल मोमेंटम हम देखेंगे, स्मॉल एम और वी हमारे पास होगा मोमेंटम ऑफ द बुलेट विच इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और कैपिटल एम और वी प्राइम होगा आपके पास मोमेंटम ऑफ द गन विच इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली मोमेंटम बिफोर फायर और मोमेंटम आफ्टर फायर इक्वल रहना चाहिए। तो बिफोर फायर मोमेंटम की वैल्यू थी हमारे पास जीरो, आफ्टर फायर वैल्यू है एम वी प्लस कैपिटल एम वी प्राइम। तो इसको जब हम फर्दर सॉर्ट आउट करते हैं या रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास एम वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी आता है। तो v प्राइम यहाँ से आएगा m बाय कैपिटल m इंटू वी, साथ में माइनस का साइन, सॉरी साथ में माइनस का साइन। तो यहाँ से हम रिकॉइल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं राइफल की। अगर हमें मास ऑफ द राइफल, मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मालूम हो, तो देन वी कैन फाइंड आउट दिस वेलोसिटी। और हम जब देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द राइफल जो है रिकॉइल, वो बहुत स्मॉल होगी। So in this way, we can find the momentum, the velocities, and the forces of explosion.